हेलो गाइस, मैं अमन मीणा आप सभी का स्वागत करता हूँ डेली टेक अपडेट के 34 एपिसोड में। और अगर आपको अपडेटेड रहना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी तरीके के डेली अपडेट्स लेकर आता रहता हूँ। हाँ तो गाइस, फटाफट से अपडेट स्टार्ट करते हैं। पहले अपडेट की बात करें तो मोटोरोला की तरफ से एक फ़ोन अनाउंस किया गया है जिसका नाम है मोटो G8 पावर लाइट। इस फोन में आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और इसका प्रोसेसर होने वाला है हीलियो का P35 प्रोसेसर और इसमें आपको देखने को मिल जाएगी 5000 mAh की बैटरी। और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके एक वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने इस मोबाइल का बनाया है। दूसरे अपडेट की बात करें तो ये ओप्पो की तरफ से आ रहा है और कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को डेली टेक अपडेट में बताया था कि एक फ़ोन आपके सामने पॉपअप होके आया है जिसमें हमें पता चलता है कि ये ओप्पो का फ़ोन है और इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में हमने बात करी थी। तो फाइनली अब हमें पता चल गया है इस फ़ोन का नाम होने वाला है A12 और इसकी डिज़ाइन हमारे सामने निकल कर आ गई है। हमें इसमें देखने में पता चलता है इसमें फ्रंट में होने वाला है एक वाटर ड्रॉप नोच वाला 5 MP का एक सेल्फी कैमरा और उसी के साथ में इसमें बैक में आपको देखने को मिल जाएंगे डुअल कैमरा सेटअप जो कि एक होने वाला है 13 MP का और एक दो होने वाला है 2 MP का कैमरा। और इस फोन में भी हमारे पहले अपडेट की तरह ही आपको प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है हीलियो का P35 प्रोसेसर। इस फोन में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं 3GB RAM 32GB स्टोरेज और 4GB RAM 64GB स्टोरेज और इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगी 4230 mAh की बैटरी। तीसरे अपडेट की बात करें तो YouTube कुछ दिन पहले TikTok को टक्कर देने के लिए एक ऐप लेकर आया था जिसका नाम था शॉर्ट्स। इस ऐप को और ज्यादा डेवलप किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये TikTok को पीछे छोड़ दे। अब देखते हैं आपको क्या लगता है कि ये गूगल का जो ऐप आने वाला है ये TikTok को पीछे छोड़ेगा या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। चौथे अपडेट की बात करें तो सुनने में आ रहा है एप्पल 9 या SE ये जो भी फ़ोन होने वाला है आज ही के दिन लॉन्च हो सकता है 3 तारीख को, मतलब के 3 अप्रैल को एप्पल की तरफ से शायद इस फ़ोन को डायरेक्ट अनाउंस कर दिया जाए कि बस एप्पल 9 लॉन्च हो गया है या SE जो भी है ये फ़ोन और इसके स्पेसिफिकेशन बता दिए जाएं। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले मैकबुक प्रो और टेबलेट को लॉन्च किया था, मतलब बस अनाउंस कर दिया कि हाँ ये चीज़ लॉन्च हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। पांचवी अपडेट की बात करें तो डिज्नी प्लस ने हॉटस्टार के साथ में मिलकर अपनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं आज से 3 अप्रैल से इंडिया में और आपको अब इसके नए सब्सक्रिप्शन प्लान देखने को मिलने वाले हैं जो कि 3 प्लान होने वाले हैं। पहला प्लान होने वाला है डिज्नी प्लस हॉटस्टार का VIP प्लान जो कि आपको देखने को मिलेगा ₹399 का पर ईयर के लिए। उसी के साथ में 2 प्लान और देखने को मिलेंगे जो कि आपको प्रीमियम प्लान देखने को मिलेगा। अगर आपको महीने भर का प्रीमियम प्लान चाहिए तो ये आपको देखने को मिल जाएगा ₹299 का और उसी के साथ में अगर आपको साल भर का चाहिए तो ये देखने को मिलेगा ₹1499 का, मतलब 1500 के आसपास। अपडेट की बात करें तो गीक बेंच पर एक फ़ोन स्पॉट हुआ है जो कि सैमसंग की तरफ से आने वाला एक मिड रेंज फ़ोन हो सकता है। इस फ़ोन का नाम हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी A21S। इस फोन में आपको देखने को मिलेगा सैमसंग का खुद का प्रोसेसर 815 और इसमें आपको देखने को मिल जाएगी 3GB की रैम। सातवें अपडेट की बात करें तो एक लीक निकलकर हमारे सामने आया है जिसमें हमें पता चलता है आने वाला Xiaomi का Mi 10S Pro में आपको देखने को मिल सकता है 150 MP का कैमरा, मतलब कि 150 MP का कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है इन फोन्स में आपको और ये फोन शायद आपको देखने को मिल सकते हैं इस साल के एंड तक आपको देखने को मिल ही जाएगा 150 MP का कैमरा सेटअप। ये सैमसंग की तरफ से कंफर्म कर दिया गया था पहले ही। आठवें अपडेट की बात करें तो ये भी Xiaomi की तरफ से आने वाला अपडेट है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि Xiaomi की तरफ से अपना नया स्मार्ट बैंड लॉन्च करने वाला है Xiaomi। आज एक ऑफिशियल इमेज से हमें पता चल गया, मतलब आज ही के दिन ये चाइना में लॉन्च होगा और इस इमेज में आपको इसके कलर ऑप्शन देखने को मिल गए और कहा जा रहा है इसकी बैटरी लाइफ होने वाली है 14 दिन की। और अगर इसके इंडियन प्राइस की बात करें तो ये आपको ₹1000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात होने वाली है Xiaomi की तरफ से, अगर इस कीमत पे इंडिया में इसे लॉन्च करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है ये। हाँ तो गाइस, आप लोगों को आज की टेक अपडेट कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए और इस तरीके के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।